नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेट। मैं हूं आपके साथ सोनी। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता एवं पूर्व विधायक भोलेनाथ पांडे का शुक्रवार को निधन हो गया। भोलेनाथ पांडे कैसे बने विधायक, उनसे जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। साल 1978 का था जब भोलेनाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने हवाई जहाज हाईजैक कर लिया था। इंदिरा गांधी को बिना शर्त पुलिस हिरासत से रिहा करने की मांग की थी। जिस पिस्टल और बम के दम पर हवाई जहाज को हाईजैक किया गया था वह बच्चों के खेलने के खिलौने थे। हेमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी। जनता पार्टी के मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने थे। बता दें कि 1977 में उनके आदेश पर इंदिरा गांधी को अक्टूबर में गिरफ्तार कर लिया गया था। लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए 20 दिसंबर 1978 को IC-410 ने उड़ान भरी और कुछ देर बाद दो युवक जबरन कॉकपिट में घुस गए और पायलट पर बिस्तर तान दी। ये दोनों ही कोई और नहीं बल्कि भोलेनाथ पांडे और देवेंद्र पांडे थे। पायलट से दोनों ने प्लेन को नेपाल की ओर ले जाने को कहा। पायलट ने कहा कि इतना ईंधन नहीं है कि प्लेन नेपाल तक पहुंच सके। इसके बाद दोनों ने प्लेन को बांग्लादेश ले जाने की बात कही। हालांकि बाद में दोनों वाराणसी में लैंड करने पर राजी हो गए। आपको बता दें कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे, वहीं उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे। हाईजैक की खबर के बाद दिल्ली से लखनऊ फोन पहुंचता है तो CM ने खुद वाराणसी एयरपोर्ट पर हमलावर से बात की और प्लेन को मुक्त कराया। बता दें कि प्लेन हाईजैक करने वाले का नाम भोलेनाथ पांडे था, उनके सहयोगी देवेंद्र पांडे थे। प्लेन ने बंधक बनाए गए यात्रियों को मुक्त कराने के बाद पुलिस ने भोलेनाथ पांडे को गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं भोलेनाथ पांडे का शुक्रवार 24 अगस्त की सुबह निधन हो गया। फिर काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लखनऊ के गोमती नगर स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। प्लेन हाईजैक के बाद भोलेनाथ को कई महीने जेल में ही रहना पड़ा। इसके बाद 1980 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी तब भोलेनाथ की जेल से रिहाई हुई। जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और भोलेनाथ विधायक बने। इंदिरा गांधी के समय से ही भोलेनाथ गांधी परिवार के बेहद करीब थे। 1980 और 1985 और 1989 और 1991 तक दो बार द्वाबा अब बेरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे तो वहीं कांग्रेस के संगठन में भी कई महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने संभाला। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भोलेनाथ पांडे बेरिया क्षेत्र के मनछुपरा गांव के रहने वाले थे। इंटर कॉलेज बेरिया में और दुबे छपरा की शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने BHU से स्नातक की पढ़ाई की और फिर हिंदी विषय में PhD की उपाधि प्राप्त की। 1980 के चुनाव में भी भोलेनाथ पांडे ने द्वाबा के मजबूत नेता मैनेजर सिंह को हराकर पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता। तो वहीं आपको बता दें कि 1991 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। उन्होंने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में उन्होंने पार्टी प्रभारी के तौर पर काम किया। प्लेन हाईजैक के वक्त भोलेनाथ पांडे ने क्रिकेट की एक गेंद को बम और खिलौने वाली नकली बंदूक को पिस्टल बताया था। इन्हीं नकली हथियारों के दम पर उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया। दरअसल पालम एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंड होने से ठीक 15 मिनट पहले ही 15वीं कतार में कुछ हलचल हुई। भोलेनाथ पांडे अपने दोस्त देवेंद्र पांडे के साथ अपनी सीट से उठे और कॉकपिट में जाकर पायलट को अपने कंट्रोल पर कर लिया। प्लेन को हाईजैक करने के बाद दोनों ने ऐलान किया कि प्लेन दिल्ली नहीं बल्कि पटना जाएगी। इसके बाद उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्लेन को वाराणसी ले जाया जाएगा। फ्लाइट के कैप्टन AM भट्टीवाला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पांडे पहले विमान को नेपाल ले जाना चाहते थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस बीच भोलेनाथ पांडे ने माइक्रोफोन पर भाषण दिया और खुद को यूथ कांग्रेस का सदस्य बताया। उन्होंने कहा कि वह अहिंसा में विश्वास रखते हैं और पैसेंजर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी यात्री ने प्लेन हाईजैक की सीरियसली नहीं लिया। हालांकि भोलेनाथ पांडे ने मांग रखी है कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के खिलाफ सारे केस वापस लिए जाए। जब भोलेनाथ पांडे के हथियारों की जांच की गई तो पता चला कि वो जिसे बम बता रहे थे वो दरअसल क्रिकेट की गेंद थी।
जिससे वो पिस्टल बता रहे थे। वो खिलौना था। विमान हाईजैक की घटना के बाद भोलेनाथ पांडे दुनिया भर में चर्चित हो गए। इसके बाद एक इंटरव्यू में भोलेनाथ पांडे ने कहा था कि विमान को हाईजैक करने का आइडिया केवल एक प्रोटेस्ट था, जिसका मकसद इंदिरा गांधी के लिए जनता पार्टी की सरकार पर दबाव बनाना था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।